आज हम लोग श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए निकलेंगे। सोनमर्ग यानी कि 79 कुछ किलोमीटर दूर में है, वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। मतलब श्रीनगर से कम 2-3 घंटे लगता है, जैसे कि पहाड़ी इलाका है। और सोनमर्ग से आप जुजिला पास तक भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स वेलकम, और आप देख चुके हैं हम अभी सोनमर्ग के लिए निकल चुके हैं, और हम लोग अभी पहुँचे हैं एक जगह में। हम लोग के साइड में एक नदी देख रहे हो आप, और ये हम लोग खाने के लिए अभी रुके हैं। अभी तो जर्नी जस्ट चालू हुआ है, आगे आगे देखे क्या होता है। अभी हम लोग सोनमर्ग के लिए निकल चुके हैं। सोनमर्ग यहाँ से 79.6 किलोमीटर दूर में आता है, और अभी हम लोग को 1 घंटा 45 मिनट लगभग लग जाएगा। सो अभी हम निकल गए, तो चलिए राइड एंजॉय करिए आप। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे, शायद कुछ गाड़ी का कागज़ चेक करने के लिए RTO लोग रुकवाए हैं यहाँ पे। अभी लगभग हम 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, तो अभी और आगे बचे हैं और 50 किलोमीटर लेफ्ट भी है। सो हम लोग का अभी चेकिंग हो चुका है, तो हम लोग फिर अभी निकल चुके हैं सोनमर्ग के लिए। अभी और 1 घंटे के अंदर हम लोग सोनमर्ग पहुँच जाएंगे। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये एक्चुअली जो रास्ता है ना, ये NH1 है। NH1 आप जानते ही होंगे, कश्मीर टू कन्याकुमारी है, ये उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। मतलब ये हाईवे कश्मीर से लेके, मतलब श्रीनगर से लेके ये जाता है लेह लद्दाख तक, वही कंटिन्यू NH1 ही है। बस ये कश्मीर से लेके, सॉरी श्रीनगर से लेके लेह लद्दाख तक जाता है। लेह लद्दाख जाने के लिए आपको यही रास्ता सबसे बेस्ट है। आप वहाँ से हिमाचल प्रदेश, मतलब मनाली होके भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस है। और स्मूथ ड्राइव के लिए ये वाला रास्ता एक नंबर बहुत अच्छा है। और आप ये वाला रास्ते में सोनमर्ग तक जाओगे, ठीक रास्ता मिलेगा। और फिर सोनमर्ग के बाद, मतलब थोड़ा मतलब डेडलीस्ट रोड आएगा, वो है जोजीरा पास, वो भी वर्ल्ड का डेडलीस्ट रोड में गिना जाता है। उसको उसमें भी हम लोग आज 0 पॉइंट तक जाएंगे, और जोजीरा पास। फिर उसके बाद आता है द्रास सेक्टर। द्रास में भी रास्ता, मतलब द्रास के बाद रास्ता फिर से ठीक हो जाता है लेह लद्दाख तक। फिर बीच में ऐसे थोड़ा थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, लैंडस्लाइड होते रहता है, इसलिए बीच बीच में रास्ता ख़राब रहता है। लेकिन जो भी हो, आप आराम से, आराम से, कुछ दिक्कत नहीं हो, आराम से जा सकते हो। अभी आप देख सकते हो सोनमर्ग तक रास्ते तो पूरा बढ़िया बन गया, नेशनल हाईवे तक वो ऐसे ही हमेशा। लेकिन ये विंटर्स में क्लोज रहता है, यहाँ पर पूरा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। ये 6 महीने खुला रहता है और बाकी 6 महीने यहाँ पर बंद रहता है। And now I'm right back at the start.
to forget all the wrongs and every reason why we've changed. And there's a storm inside my head. It's getting me in trouble, baby, and I can't break away. जाने के रास्ते में हूँ. यहाँ हम लोग को पहला बर्फ मिला है. आप जो देख रहे बड़ा सा सफ़ेद सा है, वो पहला बर्फ मिला हम लोग को. ये वैसे बोला जाता है कि ये साल भर ऐसे ही रहता है. और ये देख सकते कितना बड़ा है. और यहाँ पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है. ठंडा भी लगना चालू हो गया है. आगे आगे देखते हैं और क्या मिलता है. जाने के लिए यहाँ सोमो के रुक के यहाँ पे कुछ कपड़े खरीद लेना, क्योंकि गम बूट्स हो गया और मेरा ये जैकेट हो गया. ऐसे आपको खरीदना ही होगा यहाँ से, क्योंकि बर्फ में फिर दिक्कत हो सकता है आपको. आफ्टर रीचिंग टू सोमो टू वेयर दिस आउटफिट टू वेयर इन गम बूट. सोमो पहुँचने के बाद वहाँ पे मतलब आपको दो ऑप्शन रहेगा. आप अगर गाड़ी लेके जीरो पॉइंट जा सकते हैं, और नहीं तो आप लोकल पोनी वगैरह लेके, घोड़ा वगैरह लेके, मतलब आप लोकल साइड सीन भी कर सकते हैं. ज़ीरो पॉइंट अगर लेके जाएंगे तो आपको वही श्रीनगर ले हाईवे में लेके जाएगा. एक तो जुजिला पास पड़ेगा, और जुजिला पास सबसे खतरा है. मतलब वो रास्ता देखने लायक है. वहाँ पे मतलब रोड है ना के बराबर है. वहाँ का रोड सब देख के बहुत अच्छा लगेगा. मतलब वहाँ का सीन बहुत अच्छा लगेगा. रास्ते में पड़ता है बालटल जाने के लिए रास्ता. बालटल एक रास्ता है जहाँ से अमरनाथ के लिए वो श्रीनगर तरफ से भी जा सकते हैं. वहाँ पे मतलब बालटल भाई 5-6 किलोमीटर दूर है. वहाँ से मतलब हेलीपैड सर्विस अमरनाथ यात्री के लिए आपको ब्लॉग में भी दिखा जाएगा. टैक्सी मतलब यहाँ पे मतलब टैक्सी का आपको बहुत बार्गेनिंग करना होगा. आप मन चाहे रेट उन लोग बोलेंगे, लेकिन आप जितना बार्गेनिंग हो सके आप कर सकते हो तो उतना अच्छा है. और घोड़ा में भी वैसे ही, घोड़ा का भी वही बार्गेनिंग. फिर भी उसका एवरेज रेट 3,000 to 4,000 लगेगा. पर गाड़ी के लिए हम लोग गाड़ी में गए थे, हम लोग कुछ 4,000 दिए थे. हम लोग को योजिला पास लेके गया था. और घोड़ा का भी चार्जेस लगभग वैसे ही है. मतलब पास में एक पहाड़ है, वहाँ पे लेके जाएगा वो बर्फ़ तक. बर्फ़ तो लेके जाएगा कि नहीं पता कि आप तो बोलते हैं, पर हम तो गया नहीं, बोल नहीं सकता. आप अगर लेकिन आप सोनमक तक आ जाएंगे, लेह लद्दाख नहीं जाना है तो आप पक्का जुजिला पास होते हुए 0 पॉइंट तक ज़रूर जाना. वहाँ पे आपको अमरनाथ का जो चोटी है उसका मतलब पीछे तरफ वहाँ पे लेके जाएगा. वहाँ पे बहुत अच्छा सीन लगता है. और वहाँ जो 1940 कुछ में सॉरी जो पहले पाकिस्तान का अटैक हुआ था इंडिया पे, तब टाइम का मतलब वहाँ पे एक है इंडिया गेट, वो भी आपको रास्ते में मिलेगा. और ऐसे बहुत कुछ है आपको रास्ते में देखने के लिए. रोड से एंजॉय करिएगा, वहाँ का व्यू एंजॉय करिएगा, और देखते रहिए आप आगे क्या होता है. तो अभी हम लोग बालटल पे मतलब यानी कि 0 पॉइंट पे निकल चुके हैं. यहाँ से लगभग और 1 घंटा लगभग लगेगा. अभी आगे जो जिला पास भी है वो भी आप देख सकते हैं आगे. देख सकते हैं मेरे राइट साइड में एक तो रास्ता गया हुआ है, एक्चुअली नीचे जाता है वो बालटल जगह का नाम है. मतलब देख सकते हैं बालटल यहाँ पे थोड़ी दूर में. यहाँ पे मतलब अमरनाथ जो यात्रा होता है ना, तो उसके लिए यहाँ पे मतलब कैंप होता है. जो कैंप में मतलब आप एक तो अमरनाथ होके जा सकते हो, या फिर आप श्रीनगर होके भी जा सकते हो. Thank you.
invite you brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.
inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. आप